राजस्थान की सभी प्रकार की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं की सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाले एकमात्र यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको पटवारी भर्ती परीक्षा की जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों, आज की न्यूज की पेपर कटिंग है जहाँ पर ये दैनिक नवज्योति के अनुसार यहाँ पर एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जहाँ बताया गया है कि पटवारी की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू होगी। राजस्व मंडल ने 2,739 पदों के लिए भेजी है अभ्यर्थियां। तो चलिए दोस्तों, क्या पूरी न्यूज है, कहां पर कितने पद दिए गए हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस न्यूज में बताया गया है कि राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती को अभ्यर्थियां भेज दी है, यानी कि RSSB इस बार आपका एग्जाम करवाने वाली है। मंडल ने 2,739 पदों की भर्ती करवाने के लिए पत्र प्रेषित किया है, संभवतः इसी माह में आवेदन मांगकर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जुलाई माह में तो आपकी एकदम 100% संभव है, राजस्थान पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, पटवारी की भर्ती भी आने वाली है। मंडल निबंधित विनीता श्रीवास्तव ने जिलेवार रिक्त पदों का विवरण प्राप्त करने के बाद बुधवार को अधीनस्थ बोर्ड को अभ्यर्थियां भिजवा दी है। प्रदेश के 8 जिलों में 100 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, इसमें सर्वाधिक बाड़मेर में 223, डूंगरपुर में 145, करौली में 143, अजमेर राशन और भरतपुर में 135, सिरोही में 144, सवाई माधोपुर में 111 पद रिक्त है। इनके अलावा अन्य जिलों में अलवर में 64, बांसवाड़ा में 34, बारा में 68, भीलवाड़ा में 93, बीकानेर में 80, बूंदी में 54, चित्तौड़गढ़ में 53, चूरू में 61, दौसा में 14, धौलपुर में 60, श्रीगंगानगर में 79, हनुमानगढ़ में 69, जयपुर में 79, जैसलमेर में 26, जालौर में 62, झालावाड़ में 64, झुंझुनू में 23, जोधपुर में 93, कोटा में 39, नागौर में 97, पाली में 85, प्रतापगढ़ में 66, सीकर में 79, टोंक में 75 और उदयपुर में 81 पदों का विवरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इस बार जब जैसे जिले को प्रेफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट आपको कौन सा जिला चूज करना है, सेकंड कौन सा जिला चूज करना है, जैसे कि पिछली भर्ती परीक्षा में देखा गया था, तो इसी हिसाब से आपको अपने जिले के हिसाब से इस बार चूज करना होगा यहाँ पर। और पुलिस भर्ती प्रक्रिया में इसका विपरीत होता है, आपको केवल एक ही जिला चूज करना होता है। तो यहाँ पर आगे दिया है 3 साल बाद भेजी है मंडल ने, 3 साल बाद पटवारी भर्ती की नई परीक्षा के लिए अभ्यर्थी भेजी, इससे पूर्व 2015 में आखिरी बार भर्ती हुई थी। हालांकि तब भी 2 वर्ष बाद भर्ती होने के पहले 2,200 पदों के बाद इतने ही पदों बढ़ाकर 4,400 पदों पर भर्ती कराई गई थी। इसमें पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया गया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों, आपको पहले प्री एग्जाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम भी होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, इसकी सारी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और पास में बने घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सबसे पहले अपडेट भी मिल जाए। तो मिलते हैं राजस्थान की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।